अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जनाब, कैसे हैं मेरे दोस्त? ठीक ठाक हैं, मज़े से हैं? क्या कर रहे थे? जी, जो कल हमने मस्जिद का खाका बनाया था, बना लिया आप लोगों ने? मैंने आपसे कहा था कि आपको मस्जिद का खाका बनाना है, आप लोगों ने बना लिया। कैसी बनी आपकी मस्जिद? अच्छी बनी ना? आपने इसमें रंग भरे और फिर आपने तस्वीर अपनी टीचर को सेंड कर दी। वेरी गुड, यानी कि हमारा सबक नंबर 11 का सारा काम कंप्लीट हो गया। और आज हम क्या करेंगे? आज हम अपना सबक नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। शुरू करें, सबक नंबर 12 शुरू करते हैं। देखते हैं कि भाई इस सबक में आज हमने क्या पढ़ना है, क्या कहना है। हमने पढ़ा मस्जिद नबी के बारे में। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद तामीर फरमाई थी। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, और अल्लाह के आखिरी रसूल जो हैं, इनका क्या है, इन्होंने जो हमें सिखाया है, बताया है, हम उस पर अमल करते हैं। अल्लाह ताला ने हमें अजीम जो तोहफ़े दिए हैं उनमें नमाज़ और क़ुरान है, और उसकी तालीमात जो हैं हमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते हैं ना। यानी कि हमें जितनी अच्छी बातें होती हैं वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं, और हम ये चाहते हैं कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें हमें बताई हैं, जो हमें समझाई हैं, हम उन्हें पूरा करें, उनके मुताबिक, उनके बताए हुए उसूलों के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी गुजारें, है ना। हर मुसलमान की ये चाहत है, हर मुसलमान ये चाहता है कि हम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर पूरा पूरा अमल करें। चाहते हैं, आप लोग भी ये चाहते हैं ना कि भाई जितना हमसे हो सकता है हम जितना कर सकते हैं, क्योंकि कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारे नबी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह की ज़िंदगी गुजार सकते हैं, वो हमारे लिए मिसाल हैं, तो उसको देखते हुए, उनको समझते हुए हमें उनकी पैरवी करनी चाहिए और उसी तरह से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, जी हमें सच बोलना चाहिए। हमें दूसरों को दुख नहीं पहुँचाना चाहिए, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचानी चाहिए। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम बहसते मुसलमान मैं क्या कर सकती हूँ, आप क्या कर सकते हैं, है ना। ये नहीं कि भाई मैं तो भी छोटा हूँ, मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन आप अपने छोटे हुए होते हुए क्या क्या कर सकते हैं। आप मम्मा बाबा से झूठ नहीं बोलें, जो भी बात हो, जो भी आपने किया हो, आप सच बताएं उनको। आप अपने छोटे बहन भाइयों को तंग ना करें, मम्मा बाबा को तंग ना करें, गरीब कोई हो उसकी मदद करें, उसे तंग ना करें, कोई मज़लूम नज़र आए उसकी मदद करें। ये सारी बातें हमें हमारे नबी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं। जैसे उन्होंने बताया कि भाई आपने क्या करना है कि रात को जल्दी सो जाना है। ये नहीं कि आप रात में जागते जा रहे हैं और सुबह फजर के वक्त आप सोते जा रहे हैं। नहीं, हम ये काम तो कर सकते हैं ना कि हम आप जो है नमाज़ पढ़ सकते हैं, नमाज़ तो आराम से घर में पढ़ सकते हैं। आप नमाज़ पढ़िए, आप बाहर जा सकते हैं, आप मस्जिद में जा सकते हैं, आप मस्जिद में जा कर नमाज़ पढ़ें, है ना। ये सारी बातें ऐसी हैं जो हम कर सकते हैं, अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर अमल कर सकते हैं, उनके बताए हुए उसूलों पे अमल कर सकते हैं, उनकी तरह रह सकते हैं, है ना। चलें जी जनाब, इसी पर एक देखते हैं। आज हमारा सबक मौजूद है, सबक नंबर 12, सफ़ा नंबर 44 और 45 यहाँ मौजूद है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह रहना। तो देखते हैं इस सबक में हमें क्या बताया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है, और हम किस तरह से अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ठीक है, चलो। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत सी अच्छी बातें बताई हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना बहुत अच्छी बात है। इताअत करना यानी कि उनकी बात को मानना, उनकी बात को समझना क्या है, बहुत अच्छी बात है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह ज़िंदगी गुजारें। इसी से तो पता चलेगा कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। हम जिनसे मोहब्बत करते हैं, जिनको पसंद करते हैं, तो हम चाहते हैं कि उन्हीं की तरह दिखें। वो जो करते हैं हम करें, जैसे हम बाबा से मोहब्बत करते हैं, मम्मा से मोहब्बत करते हैं, तो कहते हैं कि जैसे हमारी मम्मा कर रही हैं हम वैसे ही करें, जैसे हमारे बाबा कर रहे हैं हम वैसे ही करें। तो हम तो अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी तो मोहब्बत करते हैं ना, तो हम चाहते हैं कि हम उन्हीं की तरह की ज़िंदगी गुजारें, है ना। मिसाल के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज़ के बाद फ़ौरन सो जाया करते थे।
हमें भी ऐसा करना चाहिए। जी ये नहीं कि ईशा की नमाज पढ़ी और उसके बाद टीवी देखने बैठ गए, बाहर निकल गए घूमने के लिए और जो है वो टाइम ज़ाया किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए जाग जाया करते थे। हमें भी सुबह सवेरे उठकर फजर की नमाज़ पढ़नी चाहिए। अब क्या होता है कि हम रात भर जागते रहते हैं और जब फजर में हमें उठना होता है तो हम कहते हैं कि हमारी हिम्मत नहीं हो रही, हमें नींद पूरी नहीं हुई है, बहुत नींद आ रही है, हम कैसे उठें, और हम फजर की नमाज़ छोड़ देते हैं। ऐसा हो जाता है ना, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि क्यों होता है, क्योंकि हमारी नींद पूरी नहीं होती। लेकिन अगर हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी पे चलेंगे, उनकी पैरवी करेंगे, उन्हीं की तरह रहेंगे, तो क्या होगा, हमेशा के बाद फ़ौरन सो जाएंगे और फजर तक हमारी नींद बिल्कुल पूरी हो जाएगी और हम आराम से उठ सकेंगे और हमारे पास कोई वजह नहीं होगी कि हम इस फजर में उठ ना सकें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर की नमाज़ के बाद कुछ देर आराम फरमाते थे, हमें भी ऐसा करना चाहिए। जी जनाब, ज़ोहर की नमाज़ के बाद जब आप खाना खा लेते हैं तो ज़रूर सोना चाहिए। उसे कहते हैं कैलूला कहते हैं, यानी कि कैलूला हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमें 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए ज़रूर सोना चाहिए। ये हमारी सेहत के लिए भी अच्छा है और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसकी तलकीन करते थे। और असर और मगरिब की नमाज़ों के दरमियान नहीं सोना चाहिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मना फरमाया है। और असर और मगरिब की नमाज़ों के दरमियान बिल्कुल नहीं सोना चाहिए, अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कि असर और मगरिब की नमाज के दरमियान बिल्कुल ना सोएं, बल्कि आप इबादत करें, आप दूसरे काम करें, लेकिन सोए नहीं। अल्लाह ताला कभी नहीं सोता, मगर उसने हमारे आराम के लिए रात बनाई, इसलिए हम रात को आराम करें ताकि सुबह ताज़ा दम होकर सोएं। अल्लाह ताला नहीं सोते, अल्लाह ताला हमेशा जागते रहते हैं, उन्हें ना ऊँग आती है ना नींद आती है, लेकिन उन्होंने हमारे आराम के लिए रात बनाई है कि भाई मेरी मखलूक जो है उसे आराम चाहिए, उसे ताज़ा दम होना है दूसरे दिन के लिए, तो उनके लिए रात ज़रूरी है ताकि वो आराम करें, क्योंकि वो हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं ना। अल्लाह ताला हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं तो वो हमें तकलीफ़ नहीं देखना चाहते कि भाई मेरी मखलूक जो है, मेरे बंदे जो हैं वो तकलीफ़ में रहे, तो नहीं भाई, उनके लिए आराम बहुत ज़रूरी है। तो आराम के लिए रात बनाइए तो हमें भी उस पर अमल करना चाहिए, रात को जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह ताज़ा दम होकर उठना चाहिए। रात को जल्दी सोएंगे ना तो सुबह उठेंगे तो आप देखिएगा कितने फ्रेश होते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधा हाथ अपने गाल के नीचे रखकर सोया करते थे। जी जनाब, यानी कि आप सीधी करवट पे सोते थे, आप उल्टी करवट पे नहीं सोते थे, आप सीधी करवट पे सोते थे और अपने गाल के नीचे अपना सीधा हाथ रख के सोते थे, अपने गाल पे अपना सीधा हाथ रख के सोया करते थे, सीधी करवट पे सोते थे। तो आप भी कोशिश करें, आप भी अपनी आदत ये बनाएं कि आप भी सीधी करवट पे सोइए और अपने सीधा हाथ जो है अपने गाल के नीचे रख के सोइए, तो देखिएगा कितनी अच्छी नींद आती है। जी मम्मा बाबा से पूछिएगा कि भाई मेरा सीधा हाथ कौन सा है। सीधा हाथ वो होता है जिससे हम खाना खाते हैं। जी जनाब, यहाँ एक दुआ दी जा रही है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले ये दुआ हमेशा पढ़ते थे। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। ये दुआ आप ज़रूर पढ़ें। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सोते थे तो ये दुआ पढ़ के सोते थे। आप भी ये दुआ पढ़ के सोइए, दोबारा से दोहराइए मेरे साथ, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। जी जनाब, समझ में आया आपको। अब आपने क्या करना है, आपने भी कोशिश करनी है कि आप कम से कम वो बातें जो आप कर सकते हैं, जो आपके लिए आसान है, जो आप कर सकते हैं, यानी कि आप इशा के बाद जल्दी सो जाएं, सुबह जल्दी उठें, सीधे हाथ जो है गाल पे रख के सोएं, यानी कि सीधी करवट पे सोएं, ये दुआ पढ़ के सोएं, ज़ोहर की नमाज के बाद आराम करें, असर और मगरिब के दरमियान ना सोएं, झूठ ना बोलें, सच बोलें, किसी को तंग ना करें, तकलीफ़ ना दें। इंशाल्लाह आगे जाके हम ऐसा बहुत सारी बातें सीखेंगे, उन पे अमल करेंगे। अभी आपने यही सीखना है, मम्मा बाबा से डिस्कस करना है, इनको बताना है, उनको ये बातें बतानी है, उनसे नई नई बातें सीखनी है, ये दुआ अच्छे से याद करनी है, रात को पढ़ते हुए पढ़ के सोना है, और फिर टीचर को भी बताना है अपने वॉइस नोट में कि आज हमने अपने नए सबक नंबर 12, हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह रहना में
क्या क्या अच्छी बातें सीखी हैं। कल हम मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफिज़। We'll be right back.